पैसे धन बल और पीले फूलों की बारिशों के द्वारा, रोड शो के द्वारा और बजरंग बली के नारों से सोचा कि जनता को भ्रमित किया जा सके और जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, महंगाई के और वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी है जनता में, उसको हम इन सब रोड शो से, इन सब नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा दिखा के उसको चेंज कर देंगे। उसमें नरेंद्र मोदी जी सफल ना नहीं हो सके और ये इस वजह से आप कह सकते हैं कि उस हार को जीत में बदलने का जो प्रयास था नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का, वो प्रयास सफल नहीं हुआ। जैसे कि सफल नहीं हुआ था हिमाचल में, सफल नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में, सफल नहीं हुआ था राजस्थान में, बाद में चाहे उनकी सरकार बनी थी वहां पर तोड़फोड़ करके, लेकिन कुल मिला के आज से पहले वाली डिबेट में भी हमने ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है नरेंद्र मोदी जी के इन सब रोड शो और इनसे, तो ये पता लगेगा कि सारे मुद्दे बेमानी है, केवल मोदी और धार्मिक नारे ही भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इससे ये साबित होता है कि भारत की जनता मुद्दों पर राजनीति करती है, मुद्दों पर राजनीति करती है। आप उसको केवल आप नारों के साथ, धर्म के साथ, धर्म के साथ, लेकिन धर्म में जहां तक बात थी कि धर्म के अंदर जो बजरंग बली थी दोनों पार्टियों ने अपनाई। हमने देखा कि कांग्रेस का भी हर नेता बजरंग बली के इलेक्शन से पहले बजरंग बली के मंदिर में गया, और आज भी हमने चुनाव के टाइम पे देखा कुछ कांग्रेसी बिल्कुल बजरंग बली की ड्रेस में और गदा लेते हुए, और स्पष्ट किया कांग्रेस ने कि हम बजरंग बली के साथ हैं, बजरंग दल के साथ नहीं है। भगवान बजरंग बली सबके हैं, केवल कोई एक दल ये नहीं कह सकता कि हमारा ही बजरंग बली है। तो ये बात साबित आई हुई कि ये जीत में हिंदुओं, जो कांग्रेस की जीत है उसमें हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है, बजरंग बली के भक्तों का भी उतना ही योगदान है जितना योगदान बहुत बढ़िया मुस्लिमों का है, क्योंकि सभी पार्टियों ने ये माना कि बजरंग बली। एक मिनट में आपको रोकना, नीलू अभी एक तस्वीर आई थी राहुल गांधी जी की गदा के साथ, समझ गए, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और प्रियंका जी हिमाचल में सुबह ही मंदिर चली गई थी, मंदिर में थी प्रियंका जी। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने यह संदेश दे दिया कि भाई देखो, बजरंग दल और बजरंग बली दो अलग अलग चीजें हैं, और हमारी आस्था बजरंग बली से है, बजरंग दल से नहीं है। और ये क्या, अब ये डाउन द लाइन अक्रॉस द कंट्री ये संदेश जाएगा? नीलू, डू यू बिलीव दैट फ्रॉम योर core of heart, do you believe that this masses will go down the line across India? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा बीजेपी एक बाइनरी लेकर चलती थी, आज कांग्रेस को वो बाइनरी लेकर चलने का मौका मिल गया। अब कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। बीजेपी बाइनरी क्या लेकर चलती थी, एक हाथ में विकास और दूसरे हाथ में क्या बात करती थी, मंदिर, राष्ट्रवाद, वो बाइनरी लेकर चलती थी। आज कांग्रेस को वो बाइनरी लेकर चलने का बहुत सटीक मौका मिला है, और उसी भाषा में उन्होंने समझा दिया कि भाई बजरंग बली की बात आपने छेड़ी, आज हम बजरंग बली के ज्यादा बड़े भक्त हो गए, हमको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली हैं, अगर आपको ब्लेसिंग मिली होती तो आप सत्ता में आ गए होते। तो इसी बाइनरी को लेकर अब कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि आगे के राज्यों में चलेगी, जिसके चलते उसका हिंदू कंसोलिडेशन भी होगा, और मुस्लिम्स का जो कंसोलिडेशन अभी हुआ है जो कर्नाटक में, आई थिंक इसी क्रम को अब कांग्रेस अब आगे बढ़ाएगी। तो बाइनरी लेकर हाथ में चलने का जो पूरा मॉरल अथॉरिटी जो बीजेपी क्लेम करती थी कि सिर्फ बीजेपी की है, तो अब वो उसी अथॉरिटी को आज कांग्रेस भी क्लेम कर रही है। तो इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इसमें बुरा क्या है? अब आज कई लोग ये बोलेंगे, अरे भाई वो सेक्युलर पार्टी थी, उनका जो अनुमान बजरंग बली की बात करने की क्या जरूरत थी, तो उसने बीजेपी की भाषा में बीजेपी को जवाब दे दिया।